हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिविल सपोर्ट में। दोस्तों, काफी हमारे मिस्त्री है वो या ठेकेदार हो या फिर मकान मालिक, उनके मन में एक सवाल रहता है कि अगर हमने प्लास्टर किया है तो उसकी जो तराई है कितने दिन करना चाहिए, प्लास्टर की तराई कितने दिन करना चाहिए, या फिर आप चुनाई करते हो उसकी तराई कितने दिन करना चाहिए, या फिर आप मतलब की छत ढलाई करते हो उसकी तराई कितने दिन करना चाहिए। दोस्तों, हमारा यहाँ पे मानना है कि अगर आप प्लास्टर करते हो तो सबसे पहले तो आपको एक ही बात करना है कि आपको उसके ईंटों को कम से कम 2 से 3 दिन अच्छे से गीला करना है, जो कि वो अच्छे से गीला हो जाए, उसके बाद में ही फिर उसके अंदर प्लास्टर का काम लगा दीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो आपका प्लास्टर वैसे भी काफी मजबूत हो जाएगा। उसके बाद में उसके कंटिन्यू कम से कम 12-13 दिन तक उसकी कंटिन्यू तराई करना है। ये प्लास्टर की बात हो गई। और अगर आप चुनाई करते हो दोस्तों, तो चुनाई में आपको करना क्या है, 2 से 3 दिन या फिर उसको 1 दिन अच्छे से पानी पिलाइए ईंट को, और दूसरे दिन उसको मतलब की चुनाई में काम में ले लीजिए, और उसी की भी मतलब की कम से कम 10 से 12 दिन तक आप उसकी अच्छे से तराई कीजिए, आपकी दीवार काफी मजबूत हो जाएगी। और अगर आप छत ढलाई कराते हो दोस्तों, तो कम से कम 1 दिन के बाद में उसमें पानी भर दीजिए, और उसका पानी कम से कम 10 से 12 दिन तक पानी भर के रखिए, और उसके बाद में पानी निकाल लीजिए, और पानी निकालने के बाद में फिर उसको 2-4 दिन अच्छे से सूखने के बाद ही आप उसकी जो सेटरिंग है वो निकाले दोस्तों। और अगर मान लो आपको इसी तरह से और वीडियो